विजयादशमी पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने भी शस्त्र पूजन किया। गोटेगांव स्थित श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर में जालम सिंह पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शस्त्र पूजन कर माता का आशीर्वाद लिया और कहा कि शस्त्र का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इस दिन भगवान राम ने रावण का संहार किया था। शस्त्र पूजन के दौरान जनपद अध्यक्ष संतोष दुबे, राजकुमार जैन, पूर्व विधायक हाकम सिंह चड़ार, बीजेपी नेता निधान सिंह पटेल, महेंद्र नागेश, सतीश पटेल, विनोद पटेल, दीपक सोनी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा मिशन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित तो जो हमारे नगर देवता हैं, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में यहाँ दशहरा मिलन और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी लोग अपने घर में भी दशहरा मनाते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं और मैं समझ साथ और शास्त्र शस्त्र की जानकारी होना चाहिए। और माता भक्ति के साथ शक्ति देती, तो भक्ति के साथ अगर शक्ति है तो उसका सदुपयोग होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि देव स्थानों पर हमारे जो शस्त्र हैं उनका विधि विधान से पूजन होता है तो उनकी उस कृपा बनी रहती है। अनावश्यक प्रदर्शन और न सब शस्त्रों का दुरुपयोग न हो, इसे ऐसा मानता हूँ देवस्थानों से उससे अच्छे संदेश जाते हैं। आज दशहरा के पर्व पर शस्त्र की पूजन होती है, जो आज यहाँ पर माननीय नरसिंहपुर विधायक पूर्व राज्य मंत्री जी आदरणीय जालम सिंह जी पटेल जी के द्वारा आज यहाँ सभी लोग अपने अपने शस्त्र लेके आए थे। उन शस्त्रों की विधिवत ठाकुर बाबा महाराज जी के सामने पूजन हुई। पूजन का उद्देश्य ये है कि शस्त्र की पूजन हो गई मतलब शस्त्र में शांति बनी रहे और रक्षा के लिए ही वो शस्त्र कभी होते हैं। दशहरा पर्व पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय ही दशहरा है। इसलिए अपने अंदर जो असत्य है या जो चीज़ है, जो खराबी है, उसको आज के दिन हम संकल्प लेके ख़त्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।